कोई कर रही है। अगर आप भाजपा ये बोलती है कि हमने विकास गुजरात में किया है, गुजरात का विकास मॉडल, तो अहमदाबाद से ज़्यादा विकसित तो दिल्ली और मुंबई है जहाँ पे सालों से कांग्रेस ने राज किया है। तो विकास तो जो भी सरकार आएगी, भाजपा की होगी कि कांग्रेस की होगी या हमारी शिवसेना की होगी, विकास तो हर कोई करने वाला है। बिना विकास किए तो काम आगे चलने वाला ही नहीं है। पर विकास के साथ अगर हिंदुस्तान के अंदर गुजरात की जनता ने अगर भाजपा को लाया था, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा था कि भी विकास के साथ ये हिंदुत्व को भी प्रोत्साहित करेंगे कि जो 80% हिंदुत्व है, जो बहुमती समाज है, उनको भी आप साथ में लेके चलोगे। ऐसा तो हम ये मना नहीं कर रहे कि भाई आप मुसलमानों के लिए कुछ मत करो, वो भी भारत के नागरिक है, उनको भी आप समान अधिकार दो, पर साथ में जो बहुमती समाज है आप उनको दबा के तो किसी और का समर्थन मत करो। हमारा कहना यही है। ठीक है। और दूसरी बात ये कहा जाता है कि जो 52 सीटों पे जो अपने उम्मीदवारी है शिवसेना की, उसमें शिवसेना कितनी हद तक विन है, विजय है, और वो लोग बीजेपी के साथ है कि अलग है? जी नहीं, हमारी अपनी विचारधारा है, हम बीजेपी के साथ नहीं है, ना ही हम कांग्रेस के साथ है। ऐसा भी आक्षेप किया जाता है कि भाई शिवसेना बीजेपी को हराने के लिए यहाँ उतरी है, ऐसी बात है ही नहीं। हम हमारी सीटें जीतने के लिए यहाँ पे आए और इसका हमें इतना ज़्यादा प्रतिसाद मिला है, ये आपको प्रजा से मिलेगा। अगर मैं आपको ये बोलूँगा, हर पार्टी ये बोलेगी मैं सारी सीटों भी जीतने वाला हूँ, हम भी ये कहते हम 52 की 52 सीट जीतने वाले, हमने जीतने के लिए ही उम्मीदवार उतारा है, कोई हारने के लिए किसी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारा है। कितना प्रतिशत मिला ये तो 18 तारीख को आपको रिजल्ट दिखाई देगा। और हम अपनी सरकार, हमें ये विश्वास है कि हमारे काफ़ी सारे उम्मीदवार है जो बहुत मजबूत है, जो लोगों के बीच में रह के काम कर रहे हैं, और वो सरकार इस बार सरकार शिवसेना के बिना गुजरात में सरकार नहीं बनेगी, ऐसा हमें विश्वास है। जो बाला साहब ठाकरे ने जो उद्देश्य दिया है उसके लिए आप कुछ कहना? जी, बाला साहब ठाकरे भी ये पहले से, बाला साहब ठाकरे जी ने ये हमें ऐसे यही सिखाया है कि हम हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनका ये स्वप्न है, साथ में विकास भी होगा। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुत्व, शिवसेना केवल हिंदुत्व की बात नहीं कर रही, हिंदुत्व तो रहेगा, ये हमारा मूलभूत है, हमारा मूल आधार ही हिंदुत्व का है। बाला साहब जी का यही सपना था कि भी हिंदुत्व को साथ में लेके चलना है, पर उन्होंने भी कभी भी किसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला, हम किसी भी धर्म या उसके किसी धर्म या जाति के खिलाफ बोलने की बात नहीं करें। हाँ, पर यह भी है कि अगर हमारे धर्म या हमारे जाति के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो हम उसको सहन भी नहीं करने वाले। बराबर, हमें चाहते हैं कि सब लोग समान दृष्टि से देखा जाए और उसके साथ साथ ही विकास भी उतना ही ज़्यादा हो पूरे भारत में। मेट्रो टाइम न्यूज़ की तरफ से इमरान लूनीवाला, एक थोड़ा कैमरामैन।